बदलाव आया है। सो ई कॉमर्स वेबसाइट इससे पहले आपसे क्या कहती थी, साइन अप के लिए दे यूज्ड टू आस्क फॉर योर ईमेल एड्रेस। नाउ दे रियलाइज कि जो लोग अब इंटरनेट पे आ रहे हैं उनके ईमेल एड्रेस नहीं, बिकॉज दे नेवर यूज अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप। सो द वे ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एक्चुअली थ्रू मोबाइल फोन, एंड आपको एक ओटीपी जनरेट होता है व्हिच यू यूज फॉर ट्रांजैक्शंस। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच आर कमिंग नाउ फ्रॉम द एपैक मार्केट, एशिया पैसिफिक मार्केट। इन द यूएस दे हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस। सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फॉर अस एज वेल एज अ कंपनी टू लर्न फ्रॉम, एंड वी आर लर्निंग थ्रू दिस वे। 60 लाख मोबाइल इंटरनेट यूजर्स एवरी मंथ, सो विच इज अ स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग नंबर। And these are the people which are coming online, which will be consuming content. But the problem, India is not like this. India doesn't seem like a monolithic block. We are actually a country with 23 official languages, as you can see Hindi in the north belt, and you go down south, the four South Indian languages. Hindi में एक favorite एक बहुत important phrase है कि कोस कोस में बदले पानी चार कोस में वाणी। तो दैट्स दैट्स थिंग टू रीच द इंडियन कंज्यूमर। जो अभी तक जनता इंग्लिश बोल सकती थी वो ऑलरेडी ऑनलाइन है, पर जो नेक्स्ट जनता है विल बी कंज्यूमिंग कंटेंट इन नॉन इंग्लिश, विच इज हिंदी, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नडा, सो ऑन, राइट। बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड्स टॉप लैंग्वेजेस बाय स्पीकर्स, यू हैव थ्री इंडिक लैंग्वेजेस, यू हैव हिंदी, यू हैव बंगाली एंड यू हैव पंजाबी, which is in the top 3 by number of speakers. But when it comes to content, there is very little content online. So can somebody guess what is the content of Indic language content online? You can see on the... Okay, something wrong with the slide.